हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, आजकल हसीनाएं इंटीमेट सीन से परहेज नहीं करती। आजकल इंटीमेट सीन्स फिल्म की जरूरत बनते जा रहे हैं। फिल्मों को चलाने के लिए दर्शकों को इंटीमेट सीन्स दिखाने में परहेज नहीं किया जाता। आज हम ऐसे ही सीन्स की बात करने जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जब हसीनाओं ने एक दूसरे को किस किया। जानिए किन फिल्मों में ऐसा हुआ। हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जब हसीनाओं ने इंटीमेट सीन्स दिए। 2012 में हिट स्टोरी रिलीज हुई थी। फिल्म में पाउली डाम ने अपने बोल्ड सीन से खूब सुर्खियां बटोरी। शर्लिन चोपड़ा कामासूत्र 3D से फिल्मों में एंट्री कर रही हैं। रूपेश पॉल के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में शर्लिन ने बेहद ही बोल्ड सीन्स दिए हैं। करीना कपूर के इंटीमेट सीन्स भी फिल्मों में दिखाए गए। फिल्म हिट स्टोरी 2 में सुरवीन चावला और जय भानुशाली ने कई सारे किस और बेड सीन्स दिए थे। फिल्म का गाना आज फिर तुम पर प्यार आया है बेहद बोल्ड था। फिल्म में सुरवीन के हॉट अंदाज ने मानो सबको दीवाना कर दिया था। पूनम पांडे ने फिल्म नशा में बेहद बोल्ड सीन दिए, बावजूद इसके फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। जिस्म 2 के जरिए पोर्न स्टार सनी लियोन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, तो फिल्म बीए पास में शिल्पा का हॉट अंदाज भला कौन भूल सकता है। 50 Shades of Grey में भी बेहद इंटीमेट सीन्स दिखाए गए। इसी तरह अपकमिंग फिल्मों में भी सनी ने बेहद कामुक सीन दिए हैं, जो कि ट्रेलर में देखे जा सकते हैं। फिल्म जिद में भी करणवीर मनारा और करणवीर श्रद्धा के बीच कुछ हॉट इंटीमेट सीन्स हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।